मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर गोगुंदा और मावली जाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार वे दिल्ली से उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से रवाना होकर गोगुंदा जाएंगे और देवास तृतीय चतुर्थ परियोजना का शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे मावली पहुंचेंगे, जहां राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 2 मार्च को खेतड़ी, नवलगढ़ और श्री माधोपुर में यमुना जल समझौता धन्यवाद सभाओं को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भगवान प्रजापत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भगवान, आज उदयपुर के दौरे पर आने वाले हैं सीएम भजनलाल शर्मा, क्या कुछ तैयारियां उनके दौरे को लेकर की गई हैं और क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल आज उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर का जो गोगुंदा क्षेत्र है, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने से पहले जो देवास की तृतीय और चतुर्थ दोनों चरणों की जो परियोजना है उसका शिलान्यास करेंगे। यह योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत लंबे समय से इस योजना की जरूर मांग चली आ रही थी। इस योजना की जो नींव थी वह मोहनलाल सुखाड़िया रखी थी, लेकिन प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो काम हुआ था वह तत्कालीन जो गृह मंत्री थे गुलाम कटारिया, उनके कार्यकाल में हुआ था, बीजेपी सरकार में हुआ था, और तीसरा चौथा चरण भी अब जो है बीजेपी के ही सरकार में होने जा रहा है। अब शिलान्यास होगा और ये पूरी योजना है वह 1690 करोड़ की योजना है। इस योजना के पूरी होने के बाद उदयपुर की सारी जिले भरी रहेगी, साथ ही जो उदयपुर से आगे जो पानी जाता है डाइवर्ट होकर चित्तौड़ जिले तक, वहां तक ये पानी पहुंच पाएगा। एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस योजना के लिए पूरे उदयपुर शहरवासियों को लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि ये योजना अगर पूरी होती है तो जो जिले है, जो लाइफलाइन है उदयपुर जिले की, वह लाइफलाइन आगे 12 महीने भरी रहेगी, उससे जो पर्यटन है वह भी बढ़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल का जो कार्यक्रम है वह मावली विधानसभा क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय बना है, उसका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। जी जी भगवान, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।